हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जी हैं, यूपी UPSSC की तरफ से हम बड़ी खबर लेकर हाजिर हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार लेखाकार सहायक लेखाकार के 4000 पद खाली हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में ARTI सूचना के मुताबिक लेखाकार के प्रदेश भर में 4000 से अधिक पद खाली हैं, जिससे कि विभिन्न विभागों में अनियमितता लगातार बढ़ती जा रही और उनका लेखा तथा ऑडिट नहीं हो पा रहा है। इसी संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार जी हां लेखाकार के करीब खाली 4000 से अधिक पदों को भरने की तैयारी कर रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश में लेखाकार के करीब 4000 पद खाली हैं, जिनका विज्ञापन अगले साल आपको आयोग की वेबसाइट पर देखने को मिल सकता है। जी हां, उत्तर प्रदेश में जो अभ्यर्थी ये ग्रेजुएट हैं तथा वो लेखाकार के तथा सरकारी नौकरी के भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी। जी हां, लेखाकार के करीब 4000 पद खाली हैं और उनका विज्ञापन अगले साल जनवरी फरवरी तक जारी होने की संभावना है। तो क्या योग्यता मांगी जाएगी? अभी आपको पता है कि 2016 के लेखाकार की भर्ती का रिजल्ट आया है, जिसमें कि करीब 2160 पदों में से सिर्फ 800 योग्य अभ्यर्थी मिले हैं। तो अभी इसमें से करीब 1300 से अधिक पद अभी भी खाली हैं। इन 1300 पद खाली पद और करीब यहाँ पे आपको बता दें कि करीब पिछले 3 सालों में 3000 से अधिक नए पद खाली हुए हैं। तो इस तरह से मिला के कुल लगभग 4500 से अधिक पद सहायक लेखाकार पद कोषागार के खाली हैं, जिनको कि आयोग को जल्द ही अध्याचन भेजने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दे दिए हैं। तो इनकी भर्ती कब तक होगी, क्या होगा सिलेबस, क्या होगा योग्यता, चलिए हम इस पर बात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कि हम आपको 2016 की भर्ती से संबंधित जो हुई थी उसके बारे में आप कुछ जानकारी ले लीजिए, नहीं तो आप अक्सर कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि 2016 की भर्ती काफ़ी विवादित रही है सहायक लेखाकार व कोषागार की। तो चलिए हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC में विज्ञापन संख्या 12/2016 में सम्मिलित सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षा के सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 के अंतर्गत विज्ञापित 2712 पद चयन हेतु संपन्न लिखित परीक्षा के उपरांत साक्षात्कार हेतु बाहर पाए गए अभ्यर्थियों में साक्षात्कार अपरिहार्य कारणों से स्थगित किए जाने की सूचना 30 मार्च को प्रकाशित की गई थी। अब यह पूर्ण शुरू हुई थी, फिर दिसंबर में शुरू हुई थी 18 में। फिर यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह निर्णय लिया गया कि आंतरिक लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षक उत्तर प्रदेश के 1901 पद एवं सहायक लेखाकार अधिशासी निदेशन राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के 4 पद परिणाम सिर्फ लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर बनेगा तथा शेष पदों का 200 अंकों के परिणाम पर बनेगा। अतः 1901+4 प्रकार के सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर बनाई जाएगी मेरिट तथा अन्य का साक्षात्कार के आधार पर बनेगा। यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम सहायक लेखाकार निदेशालय आंतरिक लेखा कार्य के परीक्षा अधिशासी निदेशक राज्य 1901+4 पदों का परिणाम केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, ना कि साक्षात्कार के आधार पर। लेकिन उन्हें साक्षात्कार में पहुंचना अनिवार्य है ताकि वह अपना सारा अभिलेख प्रस्तुत कर सकें, और उस समय उनको ऑप्शन दिया है कि वह अन्य पदों के लिए चाहे तो वो इंटरव्यू दे सकते हैं, अन्यथा अगर वो इंटरव्यू नहीं देंगे तो अन्य पदों के लिए वो मान्य नहीं होंगे। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, लेकिन अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अगर ऐसे अनुपस्थित रहते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा। तो यहाँ पे चीज़ें ये रहीं। आगे हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होगी इस पद की? तो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स आपकी होनी चाहिए। आप यानी कि कॉमर्स से कम ग्रेजुएट होने चाहिए। आपके पास डोएक सोसाइटी का ओ लेवल होना चाहिए। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। डोएक सोसाइटी का ओ लेवल सर्टिफिकेट सिर्फ ओ लेवल सर्टिफिकेट मान होगा, PGDCA तथा अन्य डिग्रियां मान नहीं होंगी। तो जो लोग अभी तक बीकॉम किए हैं और उनके पास ओ लेवल की डिग्री नहीं है, वो जल्द से जल्द ओ लेवल कर लें। तो यहाँ पे ये आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी लेखाकार के लिए। बाकी ये कोषागार के लिए था, जो कि अब रद्द कर दिया गया है। एज लिमिट आपकी 21 से 40 वर्ष रहेगी। आपकी पोस्ट डिटेल्स यहाँ पे 4000 रहेगी। लेकिन जो डिपार्टमेंट्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं, स्टेट काउंसिल वोकेशनल रह सकता है, इंटरनल ऑडिटर रह सकता है,
लोकल फंड ऑडिट रह सकता है और लखनऊ रह सकता है। यहाँ पे आपको और चीज़ें हम बता दें कि यहाँ पे हम परीक्षा पैटर्न की बात कर रहे हैं तो 2016 में आपका मल्टीपल चॉइस थे 180 प्रश्न थे 180 मार्क्स, टोटल 2.5 घंटे का समय मिले था और वहाँ पे इंटरव्यू 20 मार्क्स का था, लेकिन इस बार बदलाव होगा यानी कि टोटल पेपर 200 मार्क्स का कर दिया जाएगा, नो इंटरव्यू रहेगा और निगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। क्या क्या था सिलेबस में ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए जनरल हिंदी जो 40 प्रश्न थी ये अब 50 हो जाएगी इस बार, जनरल इंटेलिजेंट के 40 प्रश्न थे 50 हो जाएंगे, जनरल नॉलेज के 40 प्रश्न थे 50 हो जाएंगे और अकाउंटेंसी के जो हों रहेंगे वो इस बार 50 प्रश्न रहेंगे। तो टोटल 50-50 प्रश्न यानी कि 200 नंबर का पेपर हो जाएगा आपका और इसी बेस पे मेरिट बनेगी जिनका ओ लेवल तथा ग्रेजुएशन इन कॉमर्स रहेगा। तो ये सारी डिटेल्स रहेंगी आपके लिए नई भर्ती के लिए खुशखबरी और आप सभी को अभी से शुभकामनाएं। अगर आप चैनल पर पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।